सब्सक्राइब कीजिए डिजिटल इंग्लिश गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए कॉम्पिटिटिव इंग्लिश वीडियोस अलर्ट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल इंग्लिश गुरुजी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। माय नेम इज एंडी दीक्षित और हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पार्ट 9, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट की हम 9वीं क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि हम पार्ट 8 में काफ़ी कुछ बता चुके हैं, उन सारे पार्ट्स को आप देखिएगा। और ये पार्ट 9 में हम डिस्कस करेंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, प्रे, सजेस्ट एंड लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पढ़ चुके थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत सारी चीजें, क्योंकि वीडियोस बहुत कम साइज के थे और हमने पार्ट्स ज्यादा कर दिए, तो आप अच्छे से उसको डिस्कस करेंगे। और इंपरेटिव सेंटेंसेस आखिर होते क्या हैं? इफ वी हैव इन रिपोर्टेड स्पीच, अगर रिपोर्टेड स्पीच में आपका सेंटेंस यानी कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपका सेंटेंस इंपरेटिव है, ओके okay. अब इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं आप सब जानते हो। इंपेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड उससे पहले हम जो है कुछ वर्ड्स का यूज भी कर सकते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज स्टार्ट विद वर्ब, जैसे हमने यूज किया ओपन द डोर, सो दिस इज इंपेरेटिव सेंटेंस। ये वर्ब से स्टार्ट होता है, यहां हम देख सकते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड इसके साथ में हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारी चीजें रहती हैं, लेकिन सबसे पहले हम इंपेरेटिव सेंटेंस देखेंगे, जैसे ओपन द डोर, या फिर अगर नेगेटिव होगा तो हम यूज करेंगे डू नॉट प्ले आउटसाइड, ओके। सो दिस इज इंपेरेटिव सेंटेंस, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो इस तरीके से जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो ठीक है, देखते हैं क्या क्या चेंजेस रहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में। तो जैसा कि आप देखते हैं कि यहां पर मैंने लिख रखा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर उसमें से सेज या सेड दे रखा है, तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में जो भी सेंस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग से, सेज और सेड की जगह पर इन वर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे अगर से दे रखा है तो ऑर्डर, अगर सेज दे रखा है तो ऑर्डर्स, और अगर सेड दे रखा है तो आपका ऑर्डर्ड, यानी कि अगर प्रेजेंट में है तो ऑर्डर एंड ऑर्डर्स, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो जैसे कि आप सब जानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस और ई एस यूज करते हैं तो ऑर्डर्स, और अगर आई है या प्लूरल सब्जेक्ट है तो ऑर्डर, और अगर सेंटेंस पास्ट में है तो ऑर्डर्ड। उसी क्रम में आस्क आस्क आस्क्ड, बैग बैग्स बैग्ड, और उसी तरीके से कमांड कमांड्स कमांडेड, वार्न वार्न, और आपका एडवाइस सजेस्ट सजेस्ट सजेस्टेड, इम्प्लोर एंट्रीट, थ्रेटन अर्ज और परसुएड, यानी कि इन वर्ड्स को रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस यूज हुआ है उसके सेंस के अकॉर्डिंग, उसके सेंस के अनुसार हम जो है चेंजेस करेंगे। इनका मैंने यहां पर हिंदी भी लिख रखा है, तो उनके हिंदी को भी आप देख लीजिए। जैसे ऑर्डर यूज करना है अगर रिपोर्टेड स्पीच में आज्ञा का भाव हो रहा है, यानी कि अगर आज्ञा हो रही है, तो अगर विनती या भीख हो रही है तो हम बैग यूज करेंगे, अगर आदेश हो रहा है तो हम कमांड यूज करेंगे, जैसे कमांडेड हम करते नहीं थे, जैसे सिंपल सेंटेंसेस में हम यूज करते थे सेड के साथ टू लगा हुआ है और ऑब्जेक्ट से तो टोल्ड हो जाता था, इंक्वायर्ड ऑफ हो जाता था या फिर है ना, तो वहां पर कमांड हो जाएगा। अगर विनती हो रही है तो अर्ज हो जाएगा, अगर प्रार्थना हो रही है तो रिक्वेस्ट रिक्वेस्टेड हो जाएगा, चेतावनी हो रही है तो वार्न हो जाएगा, अगर प्रार्थना हो रही है तो इंप्लोर हो जाएगा, यानी कि रिक्वेस्ट भी इंप्लोर भी, आपका प्रार्थना हो रही है तो एंट्रीट भी हो जाएगा, अगर भय दिखाने की बात हो रही है धमकी की बात हो रही है तो थ्रेटन हो जाएगा, एंड अगर फुस लाना या किसी को बिलीव कराने की बात हो रही है तो परसुएड हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द सेंस, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में जो इंपेरेटिव सेंटेंस है उसमें जो सेंस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हम इन वर्ड्स का यूज करेंगे। तो अगर आप चाहें तो इनका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ओके। अब हम चेंज करते हैं इसको, किस तरीके से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो ये तो आपने लिख ही लिया होगा, तो इसके यहां पर इसको लिखा रहने देते हैं और इसको हटा करके और फिर हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर कुछ फॉर्मूलास लिखे हुए हैं,
फर्स्ट हम जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर यूज करते थे दैट या फिर इफ या वेदर, उनको आपको यूज नहीं करना है इंपरेटिव सेंटेंस में, यानी कि आपको उनको यूज नहीं करना है, ठीक है। आप उसकी जगह पर यूज करेंगे यूज टू इन प्लेस ऑफ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। जब दोनों सेंटेंसेस को हम जोड़ेंगे तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर हम टू यूज करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में नाउन या कोई भी एड्रेसिंग वर्ड दे रखा है रिपोर्टेड स्पीच में, यानी कि जैसे कि मोहन सेड डियर राहुल, इस तरीके से राहुल दे रखा है, या फिर ऐसे करके दे रखा है कि राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद में सेंटेंस स्टार्ट हुआ मोहन डू नॉट डू दिस वर्क, तो वहां पर मोहन आ रहा है तो वो एड्रेस हो रहा है, यानी कि प्लीज मैंने यूज किया स्टूडेंट्स स्टैंड अप, तो स्टूडेंट एड्रेसिंग वर्ड हो गया। तो आप जो है उस रिपोर्टेड स्पीच में नाउन का जो भी एड्रेसिंग वर्ड होगा संबोधन होगा उसको ऑब्जेक्ट की तरह लेंगे रिपोर्टिंग वर्ब में। मैं करके बताऊंगा किस तरीके से। जॉन्च यूज प्लीज काइंडली सर मैडम, इन वर्ड्स का आपको यूज नहीं करना, यानी कि जब आपको ये इंपरेटिव सेंटेंस की रिपोर्टेड स्पीच में इस तरीके के वर्ड्स दिखेंगे तो आपको उनका यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। और हाँ, अगर सर दे रखा है या मैडम दे रखा है तो यूज रेस्पेक्टफुली, यानी कि ये वर्ड यूज करना है रेस्पेक्टफुली सर और मैडम के लिए, और वो यूज करना है रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट में, और अगर या तो वर्ब के बाद में या फिर अगर वर्ब के बाद में अगर आप ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट के बाद में। तो मैं सारे के जितने भी आपको ये फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं इनके एग्जांपल्स करके बताता हूं, ठीक है। तो आप देखिए, जब तक आप इसको एक बार समझ लीजिएगा, तो देखिए इन एग्जांपल्स को एक बार समझ लेते हैं और फिर उसके बाद में हम रिविजन क्लास में देंगे, आपको पीडीएफ भी दे दूंगा मैं, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब, आप शुरुआत से देखिएगा सारे लेसन को, एंड दिस इज रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस स्टार्टिंग विद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस हुआ। तो ही सेड टू मोहन सिट डाउन, अब इसमें क्या हो रहा है ऑर्डर भी हो रहा है, लेकिन इसको अगर ऑप्शंस में टोल्ड से भी मिलता है तो हम उसको सही करेंगे, लेकिन एक बार ध्यान रखिएगा कि हम इसको चलो कर सकते हैं ही ऑर्डर्ड मोहन, बिल्कुल कर दिया आपने ही ऑर्डर्ड मोहन, क्योंकि उसने मोहन से कहा, लेकिन यहां पर कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये जो ऑर्डर देने वाला है ये टीचर है या इसका मालिक है, कुछ ऐसा पता नहीं चल रहा है। तो वहां पर ऑप्शन में आपको ऑर्डर की जगह पर कुछ और भी मिल सकता है, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आपके चार ऑप्शंस होते हैं तो उनको हमें शुरुआत से लेकर के और एंड तक देखना है कि पूरा कौन सा सही है। हो सकता है ऑर्डर दे दिया लेकिन आगे चल के कुछ गलत कर दिया है, यहाँ पर दैट लिख दिया, कुछ और कर दिया, तो आप समझने की कोशिश करिएगा जो भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पर कुछ ऐसा पता नहीं चल रहा है कि वो बड़ा है उससे या छोटा है। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको ऑर्डर वाला भी अगर मिलता है और पूरा का पूरा सेंटेंस सही है, बाकी के तीनों गलत हैं ऑप्शंस, तो आप इसके साथ जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ दे रखा है ही टोल्ड मोहन, तो यस ये भी सही है और हो सकता है। तो ही टोल्ड मोहन, अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर मैंने आपको बताया था टू यूज करना है इंपरेटिव सेंटेंस में, और ऐसे ही लिख देना है टू सेट डाउन, तो ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, नरेशन बन गया। अभी मैं सारे बताऊंगा प्लीज और रेस्पेक्टफुली और सारी चीजें लेट से स्टार्ट होने वाले, तो ठीक है। अब इसको देखिएगा, द इंस्पेक्टर सेड टू हिम कॉल द विटनेस, ठीक है। तो द इंस्पेक्टर, अब यहां पर हो रहा है इंस्पेक्टर ने उसको कहा, अब ये तो ऑर्डर हो सकता है, तो यहां पर हम ऑर्डर कर सकते हैं द इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड हिम और यहां टू कॉल द विटनेस, इस तरीके से यूज हो जाएगा। अभी यहां देखिएगा he said to me please help me, तो he, अब said to को हमें रिप्लेस करना है, यहां please लगा हुआ है तो please की बात हो रही है, यानी कि प्रार्थना, तो हम request लगा सकते हैं। तो he requested me, he requested me to, मैं आपको बताया था कि आपको please या फिर sir kindly madam इन words को यूज नहीं करना, तो इसको प्लीज को हटा देंगे क्योंकि प्लीज का भी मतलब प्रार्थना हो गया, रिक्वेस्ट का भी मतलब प्रार्थना हो गया, तो प्लीज हटा दिया और हमने लिख दिया हेल्प। अब मी कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, अब मी कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, मी कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का। आप शुरुआत से देखिएगा मैंने प्रोनाउन चेंज करना, अगर किसी भी स्टूडेंट को प्रोनाउन चेंज करने में, यानी कि मी माय आई यू योर, इन चीजों को चेंजेस करने में प्रॉब्लम होती है, तो वो मेरा फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट जरूर देखिएगा, उसको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कंप्लीट समझ में आएगा आई प्रॉमिस। तो यहां पर मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज किया जाता है आर वी के सब्जेक्ट से, आर वी का सब्जेक्ट ही है तो ही का ऑब्जेक्ट होगा हिम।
तो ये हो जाएगा he requested me to help him. me ऑब्जेक्ट है ना, तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाता है सब्जेक्ट से. अब सब्जेक्ट है यहाँ पर he, हमें सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट लिखना होता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट लिखना होता है, पॉजेसिव की जगह पर पॉजेसिव लिखना होता है. तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, him. तो ये आपको बन गया. अभी कुछ और एग्जांपल्स और देखते हैं उसके बाद में, ठीक है. ओके अभी आप देखिएगा. ओके यहाँ द टीचर सेड टू देम रीड एटलीस्ट 8 hours अ डे. अब यहाँ पर टीचर ने उससे कहा है, उन लोगों से, कि आप करीब एक दिन में 8 घंटे पढ़िए. मैंने वो बताया था ना कि हम ऑर्डर की जगह पर टोल्ड भी मिल सकता है वहां पर, क्योंकि अगर पता नहीं चले कि वो ऑर्डर हो रहा है या बात कही जा रही है, ठीक है, क्योंकि हम बराबर वालों से भी कह देते हैं. तो यहाँ हो रहा था टीचर सेड टू देम रीड एटलीस्ट 8 hours अ डे. तो ये एक तरीके से एडवाइस हो रही है, तो हम एडवाइस की तरह लगा सकते हैं टीचर एडवाइज्ड देम टू रीड, ठीक है. अब हमने कॉमा नोटेड करवाया था, टूल लगाया, लेकिन यहां पर एडवाइस का सेंस आ रहा है, तो एडवाइस लगा दिया रीड एटलीस्ट और इसको ऐसा कैसा लिख देंगे, ठीक है. अभी यहां देखिएगा द स्टूडेंट सेड टू द टीचर. अब स्टूडेंट ने टीचर से कहा सर, यहां पर रेस्पेक्टफुली वर्ड यूज करेंगे इसके लिए और इसको यूज नहीं करेंगे. प्लीज लगा हुआ है तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा. द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर, ठीक है. अब यहां सर लगा हुआ है तो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे रिस्पेक्टफुली. अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो हम कर देते द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड रेस्पेक्टफुली हो जाता, लेकिन यहां पर ऑब्जेक्ट दे रखा है द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर रेस्पेक्टफुली. ओके ये हट गया क्योंकि इसके लिए सर के लिए रिस्पेक्टफुली यूज हो गया. प्लीज हट गया क्योंकि यहां रिक्वेस्टेड यूज हो गया. रिस्पेक्टफुली फिर हम यूज करेंगे टू ग्रांट मी, कौन से पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है, हिम मान सकते हैं, वैसे तो वो लड़की भी हो सकती है. टू ग्रांट हिम लीव फॉर 5 days, ठीक है. तो बस बाकी का ऐसा कैसा हो जाएगा, प्रोनाउन चेंज करना है. अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे वीडियो नंबर 2 को जरूर देखिएगा, डायरेक्ट सीरीज में, ठीक है. अभी एक दो क्वेश्चन और करते हैं जिसमें हम वो देखेंगे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है और उसमें एड्रेसिंग वर्ड की तरह यूज हुआ है तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब में कैसे लिखकर कहेंगे. ओके अब देखिएगा इसको, यहां पर यूज हुआ है आपका माय फादर सेड राहुल डू एज आई से, ठीक है. अब यहां देखिएगा माय फादर, ठीक है, आस्क भी हो सकता है, टोल्ड भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है, इसको हम आस्क कर देते हैं. ये मत सोचिएगा कि ये केवल इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज हुआ है, ये अनुनय के लिए भी यूज होता है. तो यहां यूज हुआ माय फादर आस्क्ड राहुल. अब यहां पर माय फादर ऑर्डर्ड राहुल या माय फादर आस्क्ड राहुल, यहां राहुल रिपोर्टेड स्पीच में यूज हुआ है, लेकिन पापा जो है वो ऑर्डर राहुल को ही तो दे रहे हैं, तो माय फादर आस्क्ड राहुल, ठीक है. राहुल इधर आ गया, टू यूज किया कॉमा नोटेड कॉमा की जगह पर. अभी राहुल इसमें था तो इधर क्यों आया, क्योंकि भाई राहुल ही तो ऑब्जेक्ट है, कहा तो राहुल से जा रहा है. तो माय फादर आस्क्ड राहुल टू डू, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है क्योंकि हम टू यूज करेंगे एज. अब यहां ये डिफरेंट क्लॉज यूज हुआ, ये इंपरेटिव नहीं है, इसलिए इसको हम बिल्कुल सिंपल सेंटेंस की तरह बनाएंगे. आई कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट है ना, इसको चेंज करेंगे फादर से. अब माई से चेंज मत कर देना क्योंकि फादर हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, यानी कि पापा कौन हुए, ही लड़का. तो यहां पर ही से इज द फर्स्ट फॉर्म, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी सेकेंड फॉर्म में है, पास्ट में है, तो ये भी पास्ट में बनेगा ही सेड, और ये आपका बन गया क्योंकि से की सेकेंड फॉर्म सेड होती है. तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस को चेंज करते हैं. अब आपको मैं नेगेटिव और बता देता हूं इंपेरेटिव सेंटेंस के नेगेटिव को किस तरीके से चेंज करते हैं, ठीक है. तो अब यहां देखिएगा नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंस में मना हो रहा हो कोई काम करने के लिए, तो वहां पर हम टू जो टू यूज करते थे उस जगह पर नॉट टू यूज कर सकते हैं. अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट में है तो फॉरबिड या फॉरबिड्स, सॉरी यस, जैसे आप जानते हो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और अगर वो पास्ट में है सैड लगा हुआ है तो फॉरबिड, ठीक है. तो ही
अब यहाँ सेल्फ टू यूज हो रहा है और यहाँ डू नॉट यूज हो रहा है। तो ही सबसे पहले हम यूज करते हैं ऑर्डर से, तो ही ऑर्डर्ड मी, क्योंकि ऑर्डर भी तो हो रहा है। लेकिन फॉरबिड, फॉरबिड्स और फॉरबिड यानी कि ये सेकंड फॉर्म हो गई, तो इनका मतलब होता है मना करना, लेकिन ऑर्डर का मतलब मना करना नहीं होता। तो अगर ऑर्डर यूज होगा, ही ऑर्डर्ड मी, तो हमें कंजंक्शन यूज करना है नॉट टू। ही ऑर्डर्ड मी इज वर्किंग एज कंजंक्शन, ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू। नॉट टू यूज हुआ तो हमें डू नॉट यूज हटा देना है। ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू ओपन द डोर, ओके। और अगर आप यहां ऑर्डर की जगह पर फॉरबिड यूज करते हैं, तो फॉरबिड का खुद मतलब होता है मना करना। अब यहां नॉट टू यूज अगर हम करते हैं तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि फॉरबिड का मतलब खुद मना होता है, इसलिए हमें यहां से नॉट टू हटा करके ही फॉरबिड मी टू ओपन द डोर, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा, अगर ऑर्डर यूज हो रहा है तो नॉट टू, और अगर फॉरबिड यूज हो रहा है तो ओनली टू। यहां अगर आप नॉट टू कर देते हैं फॉरबिड के साथ तो ये गलत है, क्योंकि फॉरबिड का खुद मतलब मना करना होता है। ऑर्डर के साथ में नॉट टू सही है, क्योंकि ऑर्डर का मतलब केवल आज्ञा होता है, और नहीं का सेंस लाने के लिए नॉट टू डू दिस वर्क हमें नॉट टू का यूज करना पड़ा। तो ये सही और ये सही, ये आपका गलत। एक एग्जाम्पल और करेंगे जिसमें हम प्रिवेंटेड या ना यूज करते हैं, या फिर डू से स्टार्ट होने वाला रिपोर्टेड स्पीच होता है, तो उनके एग्जांपल्स और देख लेते हैं उसके बाद में पाए। तो यहां देखिएगा, ही सेड टू हिज सर्वेंट स्टॉप वर्किंग। अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में, क्योंकि आप सब जानते हैं ये रिपोर्टेड स्पीच है, अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में कुछ ऐसी मना दिख रही है किसी काम करने के लिए कि जो बिल्कुल खत्म कर दो उसको, यानी कि निषेध बिल्कुल मना, तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं हम क्या, वहां ऑप्शन में आपको मिल सकता है ही prevented या prohibited। तो यहां यूज हुआ ही prevented या prohibited। prevent and prohibit इनका भी मतलब बिल्कुल होता है मना कर देना, बिल्कुल साफ साफ मना कर देना। और यहां आपको अगर ऑप्शन में मिलता है ही prevented या ही prohibited his servant, ठीक है, और अगर आपको मिलता है टू स्टॉप वर्किंग, तो जैसा कि बताया गया कि इंपेरेटिव सेंटेंस में हम टू यूज करते हैं, लेकिन यहां पर टू स्टॉप वर्किंग यूज नहीं होगा, यहां पर टू स्टॉप वर्किंग यूज नहीं होगा। वन मिनट, क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रिवेंट एंड प्रोहिबिट के साथ में हम प्रपोजिशन यूज करते हैं फ्रॉम। अब फ्रॉम एक प्रपोजिशन है, वो इंफिनिटिव था, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, वो अलग बात है कि कहीं पर टू प्रेपोजिशन की तरह यूज होता है तो आईएनजी आती है टू के साथ भी, लेकिन यहाँ प्रिवेंट एंड प्रोहिबिटेड के साथ में फ्रॉम यूज होता है, फ्रॉम के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी, क्योंकि आप जानते हो जेरेंड एंड प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट, हर एक प्रेपोजिशन के साथ आईएनजी आती है, ये समझ लो। अगर जानना चाहते हो कि क्यों, तो जेरेंड देख लेना। तो फ्रॉम स्टॉपिंग, फ्रॉम वर्किंग, सॉरी, स्टॉप क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि यहां पर स्टॉप का मतलब होता है मना करना, और प्रिवेंट एंड प्रोहिबिट का भी मतलब होता है मना करना, इसलिए यहां पर हमने फ्रॉम यूज कर दिया, और फ्रॉम के बाद में डायरेक्ट जिस चीज से मना किया जा रहा है उसको हमने लिख दिया फ्रॉम वर्किंग, क्योंकि स्टॉप का खुद मतलब मना है, और प्रिवेंट एंड प्रोहिबिटेड, और प्रिवेंट एंड प्रोहिबिटेड के साथ में कभी भी टू नहीं आता, फ्रॉम आता है, और फ्रॉम के साथ में हमेशा आईएनजी, तो ये आपको नहीं मिलेगा। अगर इस तरीके का ऑप्शन मिलता है तो वो आपका राइट आंसर होगा। इसको देखिएगा, फादर सेड टू द चिल्ड्रन डू नॉट गो नियर द डॉग। कभी कभी क्या होता है, कोई कोई सेंटेंसेस किसी तीनों तरीके से हम यूज करके देखेंगे। तो हमने यूज किया फादर, अब हमने मना कर रहा है, पापा मना कर रहे हैं कि डू नॉट गो नियर द डॉग, यानी कि डॉग के पास में मत जाओ। तो फादर ऑर्डर्ड द चिल्ड्रेन, अगर आपने ऑर्डर्ड लगाया है, ये एक रिविजन है, अगर आपने ऑर्डर लगाया है तो हम नॉट टू यूज करेंगे यहां पर, क्योंकि डू नॉट का सेंस आ रहा है और डू नॉट हट जाएगा। नॉट टू गो नियर द डॉग, अगर आप ऑर्डर में लगा करके फॉरबिड लगाते हैं तो फादर फॉरबिड, फॉरबिड क्यों यूज किया, क्योंकि ये सेकंड में है पास्ट टेंस में, तो फादर फॉरबिड द चिल्ड्रेन, फॉरबिड लगा दिया तो नॉट टू यूज नहीं होगा, क्योंकि फॉरबिड का खुद मतलब मना करना होता है, तो ओनली टू यूज करना है, टू गो
near the dog, ऐसे ही लिख देंगे। और अगर आप prevented and prohibited यूज करते हैं कि father prohibited या prevented his children या the children, अब prevent and prohibited के साथ ना तो to आता है ना not to आता है, हम यूज करते हैं from, क्योंकि from के साथ ing आता है, तो going near the dog। ठीक है, इसको एक बार समझ लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, और वीडियो या इसको आप वापस करके देख सकते हैं, स्पीड स्लो करके देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, और एक लास्ट एग्जांपल तो आप देखिएगा, ही सेड टू मी डू रीड द गीता, यानी कि गीता को जरूर पढ़िए। तो यहां पर यूज हुआ है डू, जिसको आपको नहीं लिखना है तो हम यूज कर सकते हैं ही एडवाइज्ड या आस्क्ड मी। ठीक है, टू डू यूज नहीं करना, रीड द गीता ये करते हैं अगर आप आस्क तो ज्यादा भी सही रहेगा। तो डियर स्टूडेंट, इंपेरेटिव सेंटेंस मैंने कंप्लीट करा दिया है, इसमें सेकंड पार्ट रह गया है लेट का, और बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, रिवीजन आओ। तो आप है ना प्लीज इसको शेयर कीजिएगा, थोड़ा सा लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।